अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल अप्रॉक्सीमेशन। ये अप्रॉक्सीमेशन का लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफी रहता है। और यहाँ पर कहा गया है रेशनल अप्रॉक्सीमेशन, ऑब्टेन द रेशनल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द फॉर्म। जो आपको रेशनल अप्रॉक्सीमेशन निकालने हैं वो इस फॉर्म में निकालने हैं। आपके चार पार्ट हैं, है ना, चार पार्ट हैं। और अप्रॉक्सीमेशन किसका निकालना है वो फंक्शन मिलेगा, और लास्ट में लिखा हुआ है टू द फंक्शन एफ एक्स, सॉरी टू द फंक्शन ई टू द पावर एक्स। यानी कि आपको फंक्शन जो दिया गया है वो ई टू द पावर एक्स दिया गया है, और वो आपसे पूछ रहा है कि ई टू द पावर एक्स को अगर इन पार्ट के अकॉर्डिंग एक रेशनल फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करें तो जो आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन होता है। अब देखिएगा फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू तो ई एक्स है, और ये सारे आपके रेशनल पॉलिनोमियल्स हैं। आप इक्वल, अब अप्रॉक्सीमेशन है तो इक्वल तो डालना ही पड़ेगा। अब जैसे हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आप ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ये ले लीजिएगा बी नॉट प्लस बी वन एक्स अपॉन वन प्लस सेवन एक्स, इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए आपको बी नॉट चाहिए, बी वन चाहिए और सी वन चाहिए, तीन कोफिशिएंट आपको निकालने हैं। अब ई टू दी पावर एक्स आपके पास पड़ा हुआ है ना, ई टू दी पावर एक्स आपके पास पड़ा हुआ है। अब इसे एक्सपेंशन कर दीजिएगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस, इधर ले आइएगा बी नॉट प्लस बी वन एक्स अपॉन वन प्लस सी वन एक्स, ये लेफ्ट हैंड में ले आइएगा। देखिएगा ई टू दी पावर एक्स तो मेरा फंक्शन है, और जो अप्रॉक्सीमेशन मेरे से पूछा गया है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू जो है वो एरर हो जाएगी। अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ई टू दी पावर एक्स इंटू वन प्लस सी वन एक्स माइनस बी नॉट माइनस बी वन एक्स अपॉन वन प्लस सी वन एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने एलसीएम ले लिया है, अब मैं ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन यूज करने जा रहा हूँ, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू दी पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर डॉट डॉट, और इंटू में वन प्लस सी वन एक्स है माइनस बी नॉट है माइनस बी वन एक्स, और अकाउंट में चल रहा है आपका वन प्लस सी वन एक्स। यहाँ पर देखिएगा आप एलसीएम ले चुके हैं, है ना, यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया है। अब आप इस मेथड में डिनोमिनेटर पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नुमरेटर को देखेगा, यानी कि नुमरेटर में, डिनोमिनेटर से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप डिनोमिनेटर में देखिएगा। अब ये देखिएगा आपको वैल्यू कितनी निकालनी है, मैथमेटिक्स का रूल लगाइएगा, जितनी आपके अननोन वैल्यू है उतनी ही कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर देखिएगा आपको बी नॉट निकालना है, बी वन निकालना है और सी वन निकालना है, आपके पास तीन अननोन वैल्यू है तो तीन आपकी कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। जो आपका एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म जो है वो जीरो है, तो जितने कॉन्स्टेंट आपको निकालने हैं, जितने जैसे मान लीजिएगा आप बी नॉट निकालने हैं, बी वन निकालना है, सी वन निकालना है, तो तीन वैल्यू आप निकालने चाह रहे हैं, तो जितनी वैल्यू निकालने जा रहे हैं एक्स टू दी पावर जीरो से फिर, और फिर एक्स टू दी पावर वन, फिर एक्स टू दी पावर टू, इन्हें डॉट डॉट करके बढ़ाते चले जाइएगा, और उनके जो कॉफिशेंट है वो नुमरेटर में उठा करके जीरो डालते चले जाइएगा, और इस तरह से वैल्यू आपकी आ जाएगी। यानी कि मुझे तीन वैल्यू निकालनी है, तो नुमरेटर में मैं तीन कॉफिशेंट को जीरो डालने वाला हूँ, एक एक्स टू दी पावर जीरो को, एक एक्स टू दी पावर वन को, एक्स टू दी पावर टू को। अगर मान लीजिएगा मुझे चार कॉन्स्टेंट निकालने होते तो मैं एक्स क्यूब और बढ़ा लेता, पाँच अगर मुझे कॉन्स्टेंट निकालने होते तो मैं एक्स की पावर फोर बढ़ा लेता, जितने भी कॉन्स्टेंट आपको निकालने हैं उतनी पावर जो है आप बढ़ाते चले जाइएगा। अब ये ऐसे ही लेते हैं, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर जीरो एक्स टू दी एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा मैं तीन वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो मैं एक्स नॉट ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ और एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ। इसी तरह से प्रोसेस जो है, जितने भी कॉन्स्टेंट आपको चाहिए होंगे उसी तरह से आप प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाइएगा। इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर जीरो कॉमा एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो। अब इन्हें अप्लाई करिएगा, सबसे पहले देखिएगा एक्स टू दी पावर जीरो का कॉफिशेंट देखेगा नुमरेटर में क्या बनता है,
एक्स टू दी पावर जीरो, देखिएगा वन की मल्टीप्लाई जब वन से होगी तो एक्स टू दी पावर जीरो की टर्म बनेगी वन बनेगा, और यहाँ से माइनस का बी नॉट आ जाएगा और इजिकल टू जीरो, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास बन जाती है बी नॉट इजिकल टू वन। अब आगे चलिएगा कॉफिशेंट ऑफ क्या लीजिएगा एक्स, एक्स का कॉफिशेंट जब आप लेते हैं देखिएगा इस वन की मल्टीप्लाई इस सी वन एक्स से होगी, इस वन की मल्टीप्लाई सी वन एक्स से होगी तो एक्स आ जाएगा या सी वन आ जाएगा, इस एक्स की मल्टीप्लाई जब इस वन से होगी तो अभी यहाँ पर एक्स आ जाएगा और एक टर्म आपके पास ये है माइनस बी वन इजिकल टू जीरो। यहाँ से बी, यहाँ से सी वन एक्स की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं कॉफिशेंट लेने वाला हूँ तो वन के साथ तो सी वन आ जाएगा और इस एक्स के साथ वन आ जाएगा, एक्स लिख दिया है गलती से क्योंकि मुझे कॉफिशेंट चाहिए, यहाँ से मेरी वैल्यू मिल जाती है बी वन माइनस सी वन इजिकल टू वन, एक रिलेशन मेरे पास ये आ जाता है। अब आगे चलिएगा एंड, अब ये लीजिएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट लेने के लिए आप देखिएगा यहाँ पर ये एक तो वन की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक आपका वन अपॉन फैक्टोरियल टू हो जाएगा और सी वन एक्स की मल्टीप्लाई आप एक्स से करेंगे तो प्लस का सी वन हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, इजिकल टू जीरो डाल दीजिएगा, अब सी वन की वैल्यू माइनस के वन बाई टू आ जाती है, सी वन की वैल्यू आपकी माइनस वन बाई टू आ जाती है, इस वैल्यू को यहाँ रख लीजिएगा बी वन इजिकल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो ये वन बाई टू आ जाएगा, ये वन बाई टू वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब बी नॉट आ चुका है आपका, बी नॉट आ चुका है, बी वन आ चुका है और सी वन आ चुका है, इन सारी वैल्यू को उठाइएगा और इक्वेशन नंबर वन में डाल दीजिएगा बाई इक्वेशन बाई टू दी पावर एक्स इजिकल टू, बी नॉट की वैल्यू देख लीजिएगा वन है प्लस बी वन एक्स है, ये हो जाता है वन अपॉन टू एक्स हो जाता है और यहाँ वन प्लस सी वन एक्स है, यहाँ हो जाता है वन माइनस एक्स, ठीक है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पर एक टर्म और बढ़ा दीजिएगा, देखिएगा जैसे आपने कॉन्स्टेंट निकालने थे तो आपने कहाँ तक के टर्म को जीरो लिया, एक्स स्क्वायर तक के टर्म लिया जीरो लिया है ना, तो यानी कि जो एक्सपेंशन बना है ये एक्स स्क्वायर की टर्म तक का बना है तब तो ये अप्रॉक्सीमेशन सही है, लेकिन अभी इसमें एक्स स्क्वायर से आगे की टर्म और बची हुई है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स के ऊपर, यानी कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट लेने पे तो मैंने जीरो में ले गया है तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट तो जीरो में चले जाएंगे और बाकी जो है ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब और आगे की टर्म जो है वो बची रह जाएगी, है ना। उसी तरह से जैसे आप सेकंड पार्ट करेंगे तो सेकंड पार्ट में बी नॉट है, बी वन है, सी वन है और सी टू है, यहाँ पर मेरे चार कॉन्स्टेंट हैं तो यहाँ पर एक्स की पावर जीरो, एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को जीरो लीजिएगा उनके कॉफिशेंट को, यहाँ पर देखा एक दो तीन चार, यहाँ भी चार कॉफिशेंट है, यहाँ भी प्रोसीजर ये अप्लाई होगा एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पाँच कॉफिशेंट को जीरो लेना है, यहाँ पर एक्स टू द पावर जीरो हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स टू दी पावर फोर हो जाएगा, वो जीरो में चले जाएंगे तो फिर वहाँ पर लास्ट में प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू दी पावर फाइव लिखा जाएगा और इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन वाला जो चैप्टर है आपका एंड हो जाता है। अब देखिएगा अब हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर टेन, चैप्टर का नाम है डिफरेंस इक्वेशन। जिस तरह से बीएससी सेकेंड ईयर में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं उसी तरह से न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिफरेंस इक्वेशन होती है, ये हम कम्प्लीटली नहीं पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा जनरल आइडिया लेंगे, सिर्फ इसका एक जनरल आइडिया लेना है और ये जो चैप्टर है आप बुक से भी मत कीजिएगा, बुक में इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उतने ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करिएगा जितने कि आपको वीडियो में एक्सप्लेन करे जाएंगे और जितने होमवर्क में दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें सबसे पहला टॉपिक है जिस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जब आप बीएससी सेकंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट या विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, तो ऐसे केस में आप जो सॉल्यूशन ले रहे थे वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ले रहे थे और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल ले रहे थे, फिर दोनों को ऐड करके आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाता था, कुछ ऐसा ही जो है अब यहाँ भी इस चैप्टर में होने वाला है। अब देखिएगा हमारा सबसे पहला टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब इसके मैं मेथड आपको सिखा रहा हूँ, सबसे पहले है ये है रूल फॉर सीएफ, सबसे पहले जो है अब हम रूल ऑफ सीएफ देखने वाले हैं।
अब सी एफ के रूल जो है आपको सिखाए जा रहे हैं कि अलग अलग केस जो है वो किस तरह से होते हैं। जैसे आपको अलग अलग केस लेने हैं, अब आपको जिस तरह से बीएससी सेकेंड ईयर में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ाया गया था, उसी तरह से जो है यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन लेने का तरीका जो है बिल्कुल उसी तरह से है। डिफरेंस इक्वेशन आप लेंगे, फिर आप एक्सिलरी इक्वेशन लेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन लेने के बाद उसका आप रूट्स निकाल लेंगे, और रूट निकालने के बाद जो है वो आपका जो है सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह का सॉल्यूशन जो है हम एक तरह से यहाँ फिर पढ़ने वाले हैं। उसी तरह का सॉल्यूशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर, यहाँ जैसे सी एफ है तो इसे सी एफ नहीं बोलते हैं, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, इसे बोलते हैं सी एस। सी एस यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। रूल फॉर सी एस है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए रूल है। अब देखिएगा जैसे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी डिफरेंस इक्वेशन है, तो सबसे पहले आप एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले आप एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। जो एक्सिलरी इक्वेशन होगी ये जो है आप शिफ्ट ऑपरेटर आपको मिला हुआ होगा, है ना, शिफ्ट ऑपरेटर मिला हुआ होगा, है ना, और एक वेरिएबल मिला हुआ, फंक्शन मिला हुआ होगा आपको। अब ऐसे देख लीजिएगा, आपको याद दिला देता हूँ पुरानी बात। जैसे हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर था, शिफ्ट ऑपरेटर में आप ई टू दी पावर एन, अगर आप बाई एक्स लिख रहे थे तो ये फार्मूला फोर बन रहा था आपका बाई एक्स प्लस एन, इस तरह से फार्मूला बन रहा था। तो यानी कि अब हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे कि मैं बाई थ्री लिखता हूँ, तो वाई थ्री अगर मैं लिखता हूँ तो इसे मैं इस तरह से कन्वर्ट कर दूंगा, ई क्यू और वाई जीरो, ई क्यू वाई जीरो की तरह से हम इक्वेशन को अपनी कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशंस है वो ई में तैयार हो जाएगी, यानी कि जो आपकी इक्वेशंस है वो ई में तैयार हो जाएगी। अब एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए सबकी जगह पहले आप आर लिखेंगे, यानी कि सबसे पहला रूल है टू फाइंड एक्सिलरी इक्वेशन। टू फाइंड एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन अगर आप निकालना है तो पुट ई की जगह तो आप आर रख दीजिएगा, एंड आर एच एस इक्वल टू जीरो। तो क्या करने वाले हैं आप, जब आप एक्सिलरी इक्वेशन निकालने जाएंगे तो एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए जो आपका शिफ्ट ऑपरेटर कैपिटल ई होगा उसे आर से रिप्लेस कर देंगे, वाई वाला जो फंक्शन होगा उसे रिमूव कर देंगे, और जो आर एच एस है वो आपकी जीरो हो जाएगी। अब यहाँ से सॉल्व इक्वेशन बन जाएगी, आप उसे सॉल्व करेंगे। फिर आप सॉल्व इस तरह से करेंगे, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अलग अलग पोजीशंस हो सकती हैं। केस फर्स्ट, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिएगा पहला केस आपका हो सकता है कि जितने रूट्स आए हैं वो रियल हैं और वो डिस्टिंक्ट हैं। तो आप ऐसे करिएगा, लेट रूट्स आर आर वन कॉमा आर टू कॉमा आर थ्री एंड सो ऑन। मान लीजिएगा आपके रूट है ये आर वन आर टू आर थ्री डॉट डॉट, ये आपके रूट हैं। तो जो आपको सॉल्यूशन लिखना है वो सॉल्यूशन इस तरह से लिखा जाएगा, सी एस इक्वल टू, देखिएगा रूट क्या है, आर वन आर टू आर थ्री आए हैं तो आपको ऐसे लिखना होगा, आर वन टू द पावर के, सॉरी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रह गया है, सी वन आर वन टू द पावर के, सी टू आर टू टू द पावर के प्लस सी थ्री आर थ्री टू द पावर के एंड सो ऑन। इस तरह से जो है आप कॉम्प्लीमेंट्री जो सॉल्यूशन है उसे लिखते चले जाएंगे। आप देखिएगा केस सेकंड, केस सेकंड में हो जाता है, इफ रूट्स आर रियल एंड आइडेंटिकल। अब थोड़ा ये सोचिएगा कि जो रूट्स हैं आपके वो रियल हैं और आइडेंटिकल हैं। ऐसे मान लीजिएगा, लेट आर इक्वल टू आपका आया आर वन कॉमा आर टू, सॉरी
R1, R1। मान लीजिएगा R1 और R1 जो है दो आपके रूट हैं जो रिपीट हो गए हैं। अब ये दो बार रूट आया है, ठीक है ना, तो ये दो बार रूट आया है, तो आपको जो CS लिखना है वो CS इक्वल टू लिखना है C1 + C2K और यहाँ R1 to the power K। अगर आप ऐसे लेने जा रहे हैं नेट R = R1, R1, R1। अब देखिए जो रूट है R1 वाला वो तीन बार आया है, इसे इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, तो CS आप लेने जाएंगे C1 + C2K + C3K2। अब यहाँ हो जाएगा R1 की पावर K। इस तरह से आपके रिपीटेड रूट के लिए वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तीसरा केस देखते हैं, केस थर्ड, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स आ जाए रूट्स। अब ऐसे मान लीजिएगा लेट R = R आपका α ± i β। अब यहाँ पर जो R की वैल्यू आई है आपकी वो α ± i β आई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब CF हम लिखने वाले हैं, CF हम इस तरह CF ध्यान आ रहा है बार बार, CF जब आप लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, एक नई क्वांटिटी √2 power K लाएंगे और यहाँ पर आप डाल देंगे C1 cos K θ + C2 sin K θ। ये वैल्यू डाल देंगे, बेहद जो आपकी रो की वैल्यू होगी वो ये √α² + β² यानी कि इस कॉम्प्लेक्स रूट का जो मोड होगी वो होगी, और जो थीटा की वैल्यू होगी वो आर्गुमेंट होगी tan−1β/α। अब देख लीजिए कॉम्प्लेक्स रूट का केस क्या है, √α² + β² और थीटा की वैल्यू आपकी tan−1β + α। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है। अब एक पोजीशन ऐसी भी हो सकती है कि आपके रूट जो है वो रिपीट हो जाए, कॉम्प्लेक्स भी हो। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप इक्वेशन को सॉल्व करें तो रूट जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स भी हो जाए और जो है वो रिपीटेड भी हो जाए। ऐसे मान लीजिएगा लेट R = आया आपका α ± i β, α ± i β। ये दो बार आ गया है, तो आप इस तरह से करेंगे CS = हो जाएगा √2 power K, यहाँ हो जाएगा C1 + C2 K cos K θ + C3 + C4 K और यहाँ हो जाएगा sin K θ। देखिएगा दो रूल मिलाए गए हैं, यहाँ पर एक तो रूल नंबर 2 मिला दिया गया है ये वाला रूल, और ये कॉम्प्लेक्स का मेथड मिला दिया गया है। दोनों मेथड जो है हमने आपस में यहाँ पर मिला दिए गए हैं, रो और इसकी वैल्यू वही रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ √α² + β² θ = tan−1β/α। इस तरह से आपके CS के जो सॉल्यूशंस है, जो CS है वो आपका तैयार हो चुका है। इस तरह से आप जो है CS लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आप CS लिख सकते हैं। अब इसके बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो लिख रहा हूँ, उनका मैं CS लिखना आपको सिखा देता हूँ। जो रूल आपको बताए गए हैं उन रूल को समझाने के लिए मैंने कुछ सिंपल से क्वेश्चन जो है वो सामने रखे हुए हैं। देखिएगा ये 8 क्वेश्चन है। अब होता है क्या है क्वेश्चन करने का तरीका, और देखिएगा जिससे पहला क्वेश्चन है 16 yk + 2 - 8 yk + 1 + yk = 0। ये वैल्यू हमारे पास, सबसे पहले देखिएगा yk + 2 है, yk + 1 है और यहाँ yk है, तो yk सब में से कॉमन आ जाएगा और जो k प्लस में वैल्यू है वो e बन जाएगी हमारे शिफ्ट ऑपरेटर में। तो ये हो जाता है 16e² / 2 - 8e / 1 और +yk = 0। तो ये हो जाता है 16e² - 8e + 1 yk = 0। इस तरह से आपको डिफरेंस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। अब आप लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन जब लिखेंगे तो आप yk को रिमूव कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है 16
आर स्क्वायर माइनस एट आर प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखिएगा ई को रिप्लेस कर दिया गया है आर से, तो ये हो जाता है हमारा फोर आर माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब आर की वैल्यू बन जाती है वन अपॉन फोर कॉमा वन अपॉन फोर। अब जो आपका सी एस का फार्मूला नंबर टू लिखाया गया था उसमें आर वन रिपीट था, अब यहाँ आर की जो वैल्यू है वो वन अपॉन फोर है। आप फार्मूला लगा दीजिएगा, राइट हैंड साइड में जीरो पड़ रहा है तो आप सीधे सॉल्यूशन लिखिएगा। तो ये हो जाता है सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ निकलेगा इसका वाई के का निकलेगा, वाई के इक्वल टू हो जाएगा सी वन प्लस सी टू के और वन अपॉन फोर की पावर। इस तरह से आपने देखा कि सिंपल जो है वो सॉल्यूशन एकदम हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, वाई के प्लस टू माइनस फोर वाई के प्लस वन प्लस थर्टीन वाई के इक्वल टू जीरो। अब यहाँ ई स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर ई हो जाएगा प्लस थर्टीन वाई के इक्वल टू जीरो। आंसर इक्वेशन इज आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो। अब थर्टीन के आप फैक्टर कर लीजिएगा, थर्टीन के कोई से भी फैक्टर ऐसे नहीं होंगे जिनको प्लस करके चार आता हो। अब यहाँ क्वाड्रेटिक लगा दीजिएगा, आर इक्वल टू फोर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा माइनस फोर थ्री का ये फिफ्टी टू हो जाएगा और अपॉन आ जाएगा टू। टू कैंसिल कर देता हूँ तो ये टू आ जाता है प्लस माइनस अंदर जाएगा तो चार हो जाएगा अंडर रूट फोर आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा थर्टीन। तो यहाँ से आर की वैल्यू बनी टू प्लस माइनस चार में से तेरह आप घटाने वाले हैं तो ये माइनस का नाइन बन जाएगा तो ये आ गया प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री आई। ये इस समय जो मेरा रूट सेटिस्फाई हुआ है ये मेरा कॉम्प्लेक्स रूट कॉम्प्लेक्स का जो रूट है वो केस मेरा सेटिस्फाई हुआ है आर इक्वल टू टू प्लस माइनस थ्री आई है। अब यहाँ पर आप जो सॉल्यूशन लिखेंगे आप सॉल्यूशन लिखेंगे सॉल्यूशन ए वाई के इक्वल टू आप रूट की पावर के लिख रहे थे रूट की पावर के और यहाँ लिखेंगे सी वन कॉस के थीटा प्लस सी टू साइन के थीटा। अब जो फार्मूले में आपको कॉम्प्लेक्स रूट लिखाया गया था फार्मूले में जो आपको कॉम्प्लेक्स रूट लिखाया गया था वो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा लिखाया गया था जिनकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। चूँकि रो इक्वल टू अल्फा की वैल्यू दो है बीटा की वैल्यू तीन है अंडर रूट भी हो जाता है फोर प्लस नाइन इक्वल टू थर्टीन हो जाता है और थीटा इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स इमेजरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट यहाँ हो जाता है टेन इनवर्स थ्री बाई टू। इस तरह से हमारी रूट की वैल्यू आ जाती है और थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो थीटा की वैल्यू तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन रूट की वैल्यू जो है आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ अंडर रूट और रह गया है तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा वाई के इक्वल टू थर्टीन टू द पावर के बाई टू और सी वन कॉस के थीटा प्लस सी टू साइन के थीटा। ये सॉल्यूशन है देखिएगा ये अभी तक जैसे सी वन सी टू चल रहा है तो ये जनरल सॉल्यूशन है। अगर किसी क्वेश्चन में सी वन और सी टू की वैल्यू अगर आप फाइंड करके रखने जा रहे हैं तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन हो जाता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। अब ये क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन का भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिएगा ये सॉल्यूशन देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ये इक्वेशन है सच दैट वाई जीरो इज इक्वल टू थ्री और वाई वन इज इक्वल टू टू है और फाइंड वाई फाइव। तो यानी कि हमें मिला हुआ है वाई के प्लस टू माइनस सिक्स वाई के प्लस वन प्लस एट वाई के इज इक्वल टू जीरो। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का सिक्स ई हो जाएगा प्लस एट और यहाँ वाई के इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब एक्सिलरी इक्वेशन तैयार कर दीजिएगा। एक्सिलरी इक्वेशन इज आर स्क्वायर माइनस सिक्स ई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। फोर टू जा सिक्स फोर टू जा एट हो रहा है फैक्टर तो ये हो जाता है आर माइनस टू आर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब आर की वैल्यू टू और फोर हो गई है। सबसे पहला रूल आपका पास हो रहा है रियल रूट्स हैं और डिफरेंट हैं तो आपका वाई के इक्वल टू हो जाता है सी वन इंटू टू की पावर के प्लस सी टू इंटू फोर की पावर के इक्वेशन नंबर वन। अब आइएगा इन्होंने कंडीशंस यूज करिएगा यहाँ पर देखिएगा वाई नॉट की वैल्यू थ्री पड़ी हुई है यहाँ पर के की जगह जीरो डाल दीजिएगा तो वाई नॉट इक्वल टू ये हो जाता है सी वन प्लस सी टू और ये हो जाता है सी वन प्लस सी टू इक्वल टू थ्री। ये इक्वेशन नंबर आपकी टू बन जाती है ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है, वाई वन इजिकल टू है टू। अब यहाँ पर के की जगह आप वन डाल देंगे तो ये वाई वन इजिकल टू हो जाता है टू सी वन बन जाएगा प्लस फोर सी टू बन जाएगा, तो ये हो जाता है टू सी वन प्लस फोर सी टू इजिकल टू, वाई वन की वैल्यू आप दो डाल देते हैं तो ये बन जाता है सी वन प्लस टू सी टू इजिकल टू वन, इक्वेशन नंबर थ्री। अब इसमें से अगर मैं इसे माइनस करता हूँ सॉल्व इक्वेशन टू एंड थ्री, टू और थ्री को सॉल्व करते हैं तो टू सी टू में से सी टू माइनस हो जाएगा तो ये सी टू बचेगा और वन में से थ्री माइनस होगा तो माइनस टू बन जाएगा, तो सी टू इजिकल टू माइनस का टू हो जाता है, तो जब ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो सी वन इजिकल टू हो जाएगा फाइव। इस तरह से सी वन की वैल्यू फाइव आ जाती है। फोर्टीन इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर वन में रख देते हैं तो यहाँ से वाई के इजिकल टू सी वन की वैल्यू माइनस टू इंटू टू की पावर के प्लस सी वन की वैल्यू फाइव इंटू फोर टू दी पावर के। पहली वाली टर्म को या तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा या थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाई के इजिकल टू माइनस टू टू दी पावर के प्लस वन प्लस फाइव इंटू फोर टू दी पावर के, ये आपका कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कि जब आप सी वन और सी टू की वैल्यू रख देंगे तो जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा आपके लिए। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है, अब देखिए ना यहाँ पर और क्या क्या आ गया है, फाइव बाई फाइव। अब यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो के इजिकल टू फाइव कर दीजिएगा तो ये हो जाता है बाई फाइव इजिकल टू माइनस, अब टू की पावर सिक्स हो जाती है, यहाँ टू की पावर सिक्स हो जाएगी प्लस फाइव इंटू फोर टू की पावर हो जाएगी फाइव। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा और आपका वाई फाइव जो है वो तैयार हो जाएगा। अब आपने देखा डिफरेंस इक्वेशन जो है, जिस डिफरेंस इक्वेशन का जितना पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा इसमें उम्मीद करते मतलब उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस वाले पोर्शन से। एग्ज़ाम में कभी कभी एक आध क्वेश्चन जो है कोई आ जाता है, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है, आप सॉल्यूशन करने का तरीका देख ही रहोगे। इससे भारी क्वेश्चन तो आपने बीएससी सेकंड ईयर में सीएफ और पीआई के कर लिए थे, ये क्वेश्चन जो है आप ये है। अब इतना यहाँ छोड़ देते हैं, कल को पर्टिकुलर सॉल्यूशन का तरीका सिखाया जाएगा। जिस तरह से सेकेंड ईयर में सीएफ और पीआई होते हैं उसी तरह से यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन के मेथड को एक्सप्लेन करेंगे।